अगर आप लोग T-bills में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में काफी अच्छे खासे रिटर्न्स कमा सकते हैं, और अगर आप लोग T-bills में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपके प्रिंसिपल की सेफ्टी भी होती है। इसका मतलब यह है कि आपने जितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है वो अमाउंट आपको रिटर्न मिलेगा, और यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म में अच्छे खासे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। अगर आप लोग FD और T-bills को कंपेयर करेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि T-bills में इन्वेस्टमेंट करना FD के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि FD के कंपैरिजन में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का टाइम कम है और यहाँ पर रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको T-bills के बारे में हर एक चीज बताने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि T-bills क्या होते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितने टाइम पीरियड के लिए कर सकते हैं, और T-bills में इन्वेस्टमेंट करके आप कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और इनसाइटफुल होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं कि आपको T-bills में इन्वेस्टमेंट क्यों करना है और T-bills क्या होते हैं। T-bills का फुल फॉर्म है ट्रेजरी बिल्स, और ट्रेजरी बिल्स एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, और अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सेफ्टी होती है आपके प्रिंसिपल की। नॉर्मली यहाँ पर आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि 14 डेज के लिए, 91 डेज के लिए, 364 डेज के लिए, 182 डेज के लिए, डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन आप जितने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही कम आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप 364 डेज के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको 91 डेज के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न मिलेंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया T-bills को इशू करती है तब यहाँ पर आपके सिक्योरिटी का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन आपके दिमाग में अब ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतने कम डेज के लिए इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन क्यों देती है। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास बहुत सारे सोर्सेस हैं जहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास फंड्स आते हैं, लेकिन जब भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया T-bills इशू करती है और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फंड्स को रेज करती है, और इसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी फायदा हो जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फंड्स मिल जाते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट करता है उसमें भी अच्छे खासे रिटर्न्स मिल जाते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। चलिए अब हम जानते हैं कि कितने तरीके के ट्रेजरी बिल होते हैं। T-bills में मेजरली 4 टाइप्स के T-bills होते हैं। सबसे पहले 14 डेज के T-bills, सेकंड नंबर पर आते हैं 92 डेज के T-bills, थर्ड नंबर पर आते हैं 182 डेज के T-bills, और फोर्थ नंबर पर आते हैं 364 डेज के T-bills। और अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो यहां पर रिटर्न डिपेंड करता है कि आपने कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप लोग 364 डेज के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलेंगे, लेकिन वहीं पर अगर आप 14 डेज के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं या 91 डेज के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको कंपैरेटिवली लो इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। अगर आप T-bills में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप T-bills में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको 25,000 रुपीज का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और 25,000 के मल्टीपल्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख, 1,25,000, इस तरीके से आप T-bills में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। T-bills को जीरो कूपन सिक्योरिटीज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको जीरो रुपीज का इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप मार्केट में T-bills को परचेज करना चाहेंगे तब यहाँ पर आपको T-bills मिलेंगे, लेकिन T-bills की जो वैल्यू होती है उनसे कम प्राइस पर, और जितने कम प्राइस पर आप T-bills को बाय करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है, क्योंकि जब भी T-bills की मैच्योरिटी होती है तब आपको मिलते हैं जो T-bills की वैल्यू होती है उतने रुपए, मतलब आपको यहाँ पर काफी अच्छी खासी अर्निंग देखने को मिल सकती है। और सबसे खास बात यह है कि अगर आप T-bills में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आप लोगों ने T-bills में आज इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके डिमैट अकाउंट या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जो T-bills हैं ये T+1 डे के बाद रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब यहाँ पर जो T-bills का सेटलमेंट पीरियड है वो T+1 डे का है। T-bills में इन्वेस्टमेंट करने की सबसे खास बात यह है कि आपको लिक्विडिटी मिलती है। अगर आप बैंक्स में जाकर FD में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको उतने रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलेंगे, और तो और FD में लॉक इन पीरियड भी होता है जहाँ पर आपको FD को उतने टाइम पीरियड के लिए कम से कम रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप T-bills में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आप अपने फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि T-bills में शॉर्ट टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो डेफिनेटली आपको T-bills में इन्वेस्टमेंट करना है। इसके अलावा T-bills में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको जितने भी रिटर्न मिलते हैं उन्हें कैपिटल गेन की तरह ट्रीट किया जाता है है, और उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता है। तो T-bills में इन्वेस्टमेंट करना एक सेफ ऑप्शन होता है, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं कि आप T-bills में कहां से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। T-bills में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप इस वाली वेबसाइट पर जा सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की RBI रेटेड डायरेक्ट की वेबसाइट है जहां पर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर आप T-bills में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहां पर अकाउंट क्रिएट करना है, और जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है वैसे ही आप 25,000 या इसके मल्टीपल में T-bills में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।